Hello people, welcome back to your channel and welcome back to the new vlog. So I'm back at the Autobots. आज यहाँ पे कुछ interesting काम चल रहे हैं. तो नई वाली वरना आई हुई है वरना 2020 और इसके fog lamp projectors जो हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं. तो पुराने जो मतलब जो OEM लगे हुए आते हैं वो 1.5 inches के आते हैं और अब इसमें लग रहे हैं Xenon Planet के 2.5 inches के और वो भी जहाँ पे पुराने लगे थे वहीं पे बिना कोई खास मॉडिफिकेशन करे. मतलब कोई नया श्राउड नहीं लगाना, कुछ नहीं. प्लस ZX-10R भी आ गई है और जो कल मैंने आपको बीमर दिखाई थी ब्लैक कलर वाली वो भी आई हुई है. उसकी इंटीरियर डिटेलिंग हो रही है और गाइस उसका इंटीरियर का कलर बहुत ही अमेजिंग है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. सो गाइस ये देखो इसमें काम चल रहा है. तो इधर वाला जो प्रोजेक्टर है वो XP का Xenon Planet का लग चुका है तो उसकी फोकसिंग चल रही है. और ये ईशान भाई जो यहाँ पर डिटेलिंग पूरी देखते हैं. तो ये वाला प्रोजेक्टर जो है Xenon Planet का है, इसका साइज़ देखो लेंस का. और ये वाला जो Hyundai वरना में लगा हुआ आता है ये OEM है, ये देखो. तो फ़र्क आपके सामने है, ये कितना छोटा है और ये देखो ये कितना बड़ा है. ये वाला 1.5 इंच है और ये 2.5 इंच है. ये देखो फ़र्क, साइज़ का फ़र्क. तो ये वाला लग रहा है इसमें. एंड एज आई टोल्ड यू, बिना कुछ काटे वाटे सीधा OEM फिटिंग आ रही है इसकी. तो इधर लग चुका है, उसकी फोकसिंग चल रही है. प्लस गाइस स्विफ्ट का रैप शुरू हो चुका है तो ये क्लिप मैंने कर दिया ब्लैक एंड वाइट ताकि आप कलर ना देख पाओ. और ये खड़ी है बीमर जो मैंने आपको कल दिखाई थी, इसके अलॉयज ये देखो. तो इसका इंटीरियर कलर बहुत ही अमेजिंग है, प्लस इसकी इंटीरियर डिटेलिंग भी हो रही है ये देखो. तो ये इसके एयर वेंट्स क्लीन हो रहे हैं और इसका इंटीरियर कलर देखो एक बार. ये बैठे ईशान भाई हमारे, आपको इधर पीछे से भी दिखाता हूँ ये देखो. तो एक कलर मुझे इंटीरियर का बहुत ही अमेजिंग लगा इसका. उस्ताद जी का फिर से गाना सुनाओ. अरे अभी तो गा रहे थे. गाइस जब कैमरा बंद होता है ना उस्ताद जी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गा रहे होते हैं. अब मैं कैमरे के गा के बोल रहा हूँ उस्ताद जी गा नहीं रहे. आप कर रहे हो काम. गा दो एक बार, छोटा सा गा दो. ठीक है हाँ. ये गा रहे हैं, गाना गाते हो. बिल्कुल. So guys, अभी आपने सुना ये थे उस्ताद जी गाना गाते हुए. अब भाग गए देखो. सो फाइनली दोनों बल्ब लग गए हैं. अब उस्ताद जी इसकी फाइनल सेटिंग करेंगे. मैं आपको एक बार आगे से दिखाता हूँ. ये देखो, तो ये लाइट आप देख रहे थे बस नीचे के दो फॉग लैंप प्रोजेक्टर की थी. प्लस गाइस अभी अभी एक GLS आई है तो इसकी जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है वो चेंज होनी है. इस पर यहाँ पे हल्के से स्क्रैच लगे हुए हैं एज यू कैन सी. तो ये अंदर नहीं गए होंगे, ये फिल्म पे ही हैं तो फिल्म चेंज हो जाएगी एंड दीज विल बी गॉन. प्लस इसकी डिटेलिंग भी होनी है थोड़ी बहुत. एंड चेकआउट द अलॉयज, इसमें अलॉयज बहुत अमेजिंग लगे हुए हैं. तो एक गाड़ी बहुत ह्यूज है. तो इसका एक तो फ्रंट PPF चेंज होना है प्लस थोड़ी डिटेलिंग है. अंदर से देख लो इंटीरियर. तो
So again, pretty amazing car. और अलॉयस तो इसके बहुत ही स्टनिंग लग रहे हैं मुझे. और गाड़ी इतनी बड़ी है कि नॉर्मल फ्रेम में तो आई नहीं रही है, मतलब मुझे वाइड एंगल में ही आपको दिखानी पड़ रही है. चेक आउट दी अलॉयस. और ये वाइड एंगल. सो ये देखो गाइस, फाइनली ZX10R भी अनकवर हो गई है. तो GLS कर दिए पीछे और ZX10R यहाँ लगा दिए. तो इसकी वॉशिंग होने लगी है, तो थोड़े सिनेमैटिक सीन एंजॉय करो इसके. तो गाइस फाइनली वरना के प्रोजेक्टर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है. एज यू कैन सी बोथ आर वर्किंग. तो अब मैं आपको इसका बीम पैटर्न दिखाता हूँ. ये देखो, अब मैं आपको इसका डिप्पर भी दिखाता हूँ, बिकॉज इसमें भी डिप्पर है. ये देखो, तो ये ऊपर के भी जल रहे हैं प्लस नीचे के भी हो रहे हैं. तो गाइस इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड. एंड इन केस इफ़ यू आर वंडरिंग कि जो वरना में प्रोजेक्टर लगे हैं वो कितने के हैं, देन उनकी कॉस्ट है 14,000 rupees इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो प्रोजेक्टर हैं, HID बल्ब और उनकी फिटिंग. प्लस जैसे आपने देखा ZX10R आज वॉश हुई है और उसके मिरर्स वगैरह भी खुले हुए हैं. उसका रीज़न यही है कि कल इसकी डिटेलिंग होनी है, इस पर सिरेमिक वगैरह होनी है, इसलिए आज बाइक वॉश करके पूरी प्रेप कर दी है, कल इसकी डिटेलिंग होगी. So I'll catch you in the next video guys. Take care. Peace out.